How to create nom plus emoji Facebook account without update nom. Hello guys, welcome back to my channel. So दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप नाम प्लस इमोजी आईडी कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना अपडेट भेजे हुए। सबसे पहले आपने फेसबुक लाइट में आ जाना है। फेसबुक लाइट में आ जाने के बाद थ्री लाइन पे चले जाना है। थ्री लाइन पे जाने के बाद आपने चले जाना है जी सेटिंग में। सेटिंग में चले जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपने पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा नेट भी ख़राब हो गया, यहाँ से आपने जो है चले जाना है एडिट पे। एडिट पे जाओगे उसके बाद आप लोग चेक करना नाम चेंज अवेलेबल होगा, ठीक है। ये नाम चेंज अवेलेबल है, इस तरह आपकी आईडी का भी नाम चेंज अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ये आपने नाम रिमूव कर देना है, यहाँ से भी रिमूव कर देना है, ठीक है। नाम रिमूव हो गया, उसके बाद ये सिंबल मैं आपको दे दूंगा जी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये भी यहाँ से सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने फर्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये हो गया। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना, ठीक है। यहाँ से मैं अपने चैनल का पहला नाम जो है रख लेता हूँ, यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से आपने टच वीपिंग एंड को इंस्टॉल कर लेना है। ये ओपन कर लेना है इंस्टॉल करके, तो यहाँ से आपने वेट करना है। वेट कर लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद जो है ना बहुत सी प्रोक्सी नज़र आ रही हैं, यहाँ से आपने क्या करना है जी प्रोक्सी आपने लगा लेनी है, ये वाली। सॉरी एक मिनट, यहाँ से आपने ये वाली प्रॉक्सी कनेक्ट कर लेनी है, जापान वाली, ठीक है। जापान की प्रॉक्सी कनेक्ट हो रही है, यहाँ से आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब वेट करोगे तो ऊपर जो है ना की का निशान आ जाएगा, ये ऊपर की का निशान आ गया, ठीक है। जब प्रॉक्सी जो है ना कनेक्ट हो रही है, उसके बाद हम यहाँ से रिव्यू चेंज पे क्लिक करते हैं। रिव्यू चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है, अभी हमारा नाम चेंज हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इमोजी आप एंड पे लगाना चाहते हो या शुरू में लगाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी का, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ आईडी का। पासवर्ड देने के बाद सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हो, नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद हम ऑफिशियल फेसबुक में चले जाते हैं, आपको चेक करवा देता हूँ। उसके बाद ये आप लोग चेक कर सकते हो, नाम चेंज हो चुका है। इमोजी जो है वो एंड पे शो होगा, मतलब कि जब पोस्ट करोगे तो फिर शो होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हो, इमोजी शो हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।